हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। जो सबसे पहला जजमेंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 497 जो है वो डील करता है विद द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री। सो एज पर दिस सेक्शन एडल्ट्री वॉज एन ऑफेंस और उसकी क्या पनिशमेंट है वो बताया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, इसको स्ट्रक डाउन करा था और बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड से। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका सेक्शन है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। कहने का मतलब है कि ये मेल और फीमेल्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करता है। एंड ऑल्सो दिस सेक्शन हैज़ बिन ड्राफ्टेड इन सच अ मैनर दैट एक एग्जाम्पल की तरह ये सामने आता है ऑफ मेल शॉबनिज्म। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये जो आपका लॉ है ऑफ 497, सेक्शन 497 बहुत पुराना लॉ है जो 1860 में ड्राफ्ट किया गया था, तो ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और इसकी जो है आजकल की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, वर्ल्ड में इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो और भी इसके अलावा यू नो ग्राउंड्स थे कि फॉर एग्जांपल ये जो आपका सेक्शन है ये वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस हैज़ बीन नाउ डन अवे विद। इसके अलावा अगर आप इस पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जजमेंट से पहले भी जो है बहुत सारे केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसमें सेक्शन 497 को चैलेंज किया गया था वेरियस ग्राउंड्स के ऊपर, तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो अवेलेबल है। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट एडल्ट्री जो है अब एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन एडल्ट्री जो है वो डेफिनेटली आपका अभी भी अवेलेबल है एज अ ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग डाइवोर्स। जो आपके सिविल लॉज हैं, चाहे वो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम लॉ है, आपका क्रिश्चियन लॉज के अंडर भी जो आपके पर्सनल लॉज हैं, या फिर जो आपका इंडियन डाइवोर्स एक्ट है, हर एक केसेस में जो है एडल्ट्री इज़ अवेलेबल एज अ ग्राउंड फॉर ऑब्टेनिंग डिवोर्स, विच बेसिकली मीन्स बोथ टू हस्बैंड एज वेल एज दी वाइफ। अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी जो है एडल्ट्री कमिट करता है, कहने का मतलब है कि वो इलिसिट रिलेशनशिप्स में एंटर करते हैं आउटसाइड देयर मैट्रिमोनियल टाइज, एंड द अदर स्पाउस कैन डेफिनेटली ऑब्टेन अ डिवोर्स ऑन दिस वेरी ग्राउंड। सो दिस वॉज आवर वेरी फर्स्ट केस लॉ। सेकेंड इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है आपका नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो आपका केस लॉ है, जजमेंट है, ये डील करता है विद सेक्शन 377 अगेन ऑफ इंडियन पीनल कोड। जो सेक्शन 377 है वो बेसिकली डील करता है विद योर सेक्सुअल ऑफेंसेस, राइट। और जो इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि जो आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स, विच बेसिकली मीन्स जो आपका होमोसेक्सुअल आपके जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज हैं दे वर बेसिकली हेल्ड टू बी एन ऑफेंस एज पर सेक्शन 377, लेकिन इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो है इस चीज़ को डन अवे कर दिया है। कहने का मतलब है कि जो आपकी LGBTQ कम्युनिटी है उनके फेवर में ये जजमेंट जो है वो पास की गई थी। कहने का मतलब है कि जो आपके कंसेंटिंग एडल्ट्स होते हैं वो अब होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो है वो इंडल्ज कर सकते हैं, सेक्शन 377 लगा के आप उनको लाइबल जो है वो नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये जो जजमेंट है वो दिया गया था इन 2018, लेकिन इससे पहले जो है दो इससे मिलती जुलती जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं। वन इज़ ऑफ योर नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दैट इज NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और दूसरा आपका आता है सुरेश कुमार कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। जो आपका नाज फाउंडेशन है इस पर्टिकुलर केस में भी जो है एक NGO है नाज फाउंडेशन के नाम से, जिसने यही इश्यूज रेज किए थे रिगार्डिंग सेक्शन 377 बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, राइट। उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो आपका सेक्शन 377 IPC है दिस इज़ बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ये आपका फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 उसको वायलेट करता है, इक्वालिटी जो है ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपके LGBTQ कम्युनिटी को, राइट। और इस केस में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया था एंड द यू नो वट एवर वॉज द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सेक्शन 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसी चीज़ को जो है फिर अपील में रेज किया गया इन 2016 इन द केस ऑफ सुरेश
कुमार कौशल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था डिसीजन विच वॉज गिवन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, एंड वंस अगेन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो, सेक्शन 377 एकदम सही है, वी कीप इट इन टैक्ट, वो जो है आपका ऑफेंस जो है वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन 2018 में जब ये मैटर जो है दोबारा से आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर के केस में जो है अल्टीमेटली ये कह दिया था कि जो सेक्शन 377 है इट इज़ नो मोर एन ऑफेंस, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो नहीं लगेगी। लेकिन जब आप सेक्शन 377 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है दैट कोई भी आपका कर्नल इंटरकोर्स है विच इज़ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, विच बेसिकली मीन्स जो उसमें बीस्टियालिटी है या फिर सोडमी जो है दे स्टिल कंटिन्यू टू बी ऑफेंसेस ओनली, उसमें 377 अप्लाई होगा। लेकिन जो आपका कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं बिटवीन टू होमोसेक्सुअल्स, राइट, मीन्स बेसिकली मीन्स पीपल बिलोंगिंग टू द सेम जेंडर, तो उस केस में जो है आपका 377 नहीं लगता है। लेकिन ये जो है कंसेंट के साथ होना चाहिए, मेजर्स के ऊपर लगता है, माइनर्स के ऊपर नहीं। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये हेल्ड किया था कि जो आपका राइट टू प्राइवेसी है दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आर्टिकल 21 है विच डील्स विद योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपका राइट टू प्राइवेसी है वो उसके अंडर जो है वो डेफिनेटली फॉल करता है। और ये बेसिकली दिया गया था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में जो है एक रिट पिटिशन फाइल की गई थी चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आधार स्कीम, जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके अंदर जो है ये कंटेंशन रेज किया गया था कि ये आपका चैलेंज करती है आपकी प्राइवेसी को, और राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका फंडामेंटल राइट डेफिनेटली है अंडर आर्टिकल 21। तो इस चीज़ को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस लॉ में जो है वो अपहेल्ड किया था। अब इस केस लॉ के आने से हुआ ये कि इससे जो पुराने केस लॉज हैं दैट इज़ एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र 1954 का एक 8 जजेस बेंच डिसीजन था, और दूसरा आपका इम्पॉर्टेंट जजमेंट था खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1964। इन दोनों जजमेंट्स में भी जो है राइट टू प्राइवेसी के बारे में जो है वो क्वेश्चन रेज किया गया था, लेकिन इन दोनों केसेस में जो है यू नो इट वॉज हेल्ड दैट कोई राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वट एवर वॉज हेल्ड इन दीज टू जजमेंट्स इट वॉज ओवर रूल्ड राइट बाई द सुप्रीम कोर्ट इन दिस वेरी जजमेंट ऑफ के एस पुट्टस्वामी। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट केस लॉ आता है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला ऑफ 2018। अब इस पर्टिकुलर केस लॉ में जो है इसको फेमसली दिस इज़ नोन एज योर सबरीमाला केस लॉ, राइट। सो इस पर्टिकुलर केस में जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने वो बेसिकली ये था कि जो सबरीमाला टेम्पल है उसमें एक कस्टम था विच प्रोहिबिटेड वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स, विच बेसिकली मीन्स जब वुमेन जो है अपने मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स में होती हैं सो दे वर बेसिकली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू दैट वेरी टेम्पल। तो इस चीज़ को जो है एक रिट पिटिशन के थ्रू जो है वो रेज किया गया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन 2006। यस, इन 2006 यू नो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल किया था, और इस PIL में जो है उन्होंने चैलेंज किया था द सबरीमाला टेम्पल्स का टर्म ऑफ एक्सक्लूडिंग वुमेन, और बेसिकली उनके ग्राउंड्स ये थे कि इट इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 एंड 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो इस पर्टिकुलर केस लॉ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था दैट सबरीमाला की जो एक्सक्लूजन प्रैक्टिस है वो वायलेटिव है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में जो है वो फॉल करते हैं, राइट। एंड दिस वॉज बेसिकली हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो वुमेन जो है दे वर अलाउड द एंट्री इन टू दैट वेरी टेम्पल। इंपॉर्टेंट इसमें एक तो ये रहता है, एक तो केस लॉ का नेम इंपॉर्टेंट है,
दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है कि दिस वॉज अ डिसीजन ऑफ 4:1, राइट, 5 जजेस बेंच के सामने जो है ये मैटर था और उसमें 4:1 जो है मेजॉरिटी आई थी. अब जो एक जज थे आपके जिन्होंने इसमें डायसेंटिंग व्यू दिया था, शी वॉज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, राइट. सो शी वॉज द वन हु डिलीवर्ड अ डायसेंटिंग ओपिनियन एंड यू नो शी वॉज ऑफ दिस व्यू कि जो कोर्ट्स हैं दे शुड नॉट इंटरफेयर इन टू द मैटर्स रिगार्डिंग योर रिलीजन, राइट, कि रिलीजन के मैटर्स में जो है कोर्ट को अपनी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करनी चाहिए और जो लोग एक्चुअल में एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं उनके ऊपर जो है यू नो इट शुड बी लेफ्ट अपॉन देम, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है अपने रिलीजियस मैटर्स को जो है वो डिसाइड करना चाहते हैं, राइट. अब जब ये डिसीजन आया था 2018 में, इसके बाद यू नो अबाउट मोर देन 50+ रिव्यू पिटिशन्स जो हैं वो फाइल कर दिए गए हैं, राइट. जो भी आपके केरला ब्राह्मण एसोसिएशन है या फिर जो आपका नेशनल अयप्पा डिवोटीज एसोसिएशन है, बिकॉज यू नो जो साबरीमाला टेम्पल है उनके जो लॉर्ड हैं वो लॉर्ड अयप्पा ही थे, राइट. सो यू नो इट अब वो रिव्यू पिटिशंस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ जो है वो कोर्ट ने नहीं की गई है. तो ये हमारे पास आती है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन की जजमेंट. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और इंटरेस्टिंग केस लॉज जो हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे विच हैव बिन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट और वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आपको वो डेफिनेटली करेंगे. अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू सून. थैंक यू.